हेलो दोस्तों, इंडियन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस साड़ी पे अपना मेकओवर दिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी टोनर से। तो मैं यहाँ पे आयुर का टोनर हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट मैं परचेज नहीं करती हूँ, जो मुझे यूज़फुल लगता है बस वही प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। ये हमारा टोनर हो गया। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल हमेशा अप्लाई करती हूँ टोनर के बाद। अभी का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो है, जो भी सुटेबल हो आपको, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं झटपट रेडी हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रेडी होने में। थोड़ा सा हम सूखने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ना क्रीम इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे दो क्रीम इस्तेमाल करूँगी, दोनों हिमालय का ही है। सबसे पहला है ये हिमालय नरिशिंग स्किन क्रीम, दूसरा है ये देखिए हिमालय केसर ग्लो फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे फेस को सूट करता है, इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। स्किन क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी सर्दी है ना, तो बहुत वाइट वाइट हो जाता है फेस, तो ना हो इसके लिए। थोड़ा आपको तेल तेल लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद मैं क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा फाउंडेशन इस्तेमाल करना मुझे अच्छा नहीं लगता। फाउंडेशन जो है, जब मैं घर पे रहती हूँ तब इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं क्रीम ही इस्तेमाल करती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा आईब्रो जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, तो इसे भी मैं घर पे ही आईब्रो अपना बनाती हूँ। उसका वीडियो मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपना आईब्रो जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो मैं अभी ससुराल में हूँ और यहाँ से ज़्यादा बाहर वगैरह निकलने का ये नहीं होता है कि आप हमेशा हर महीने जा रहे हो बाहर, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा निकलना, तो इसलिए मैं घर पे ही अपना आईब्रो बना लेती हूँ। तो क्रीम हो गया। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर इस्तेमाल करूँगी। या तो आप लूज़ पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉम्पैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, लूज़ पाउडर मेरे पास नहीं है। ये कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट है, इसका मैंने सेपरेट रिव्यू बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है और मेरे फेस पे ना बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं मैं हमेशा बिंदी लगाती हूँ ना, तो यहाँ पे वाइट वाइट होते जा रहा है। तो कॉम्पैक्ट हो गया, ताकि सारा पाउडर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। काजल मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। यह है फेस कैनडा का काजल, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। आपके पास जो काजल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काजल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा ब्लैक काजल है ये, और काफ़ी अच्छा लुक भी देता है, हरता नहीं है जल्दी। मैं डे टू डे लाइफ में भी इसे इस्तेमाल करती हूँ, कहीं आना जाना हो तो भी। तो आईब्रो के लिए मैं हमेशा म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर ही इस्तेमाल करती हूँ, तो आप ना शैडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली मेरा आईना ना यहाँ पे है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे देख के इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैं इनसाइट का लिपस्टिक, ये मैंने हाल ही में परचेज़ किया, इसका रिव्यू मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। ये इनसाइट की लिपस्टिक है, यहाँ पे लिखा है नॉन ट्रांसफर। नॉन ट्रांसफर तो नहीं होता, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये जो शेड है ना, वो है 21 रोमांस। बहुत सारी शेड्स आपको मिल जाएगी, 4 से 5 शेड आपको शायद मिल जाएगी इनसाइड की। तो बहुत ही अच्छा ये मुझे लिपस्टिक लगा, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, अब हमारी आई शेडो की। हल्का सा आई शेडो मैं अप्लाई करती हूँ हमेशा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कलर का साड़ी पहना है बस वही कलर का आपको आई शेडो इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैं ये कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, लाइट ब्राउन। हल्का सा मैं आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लुक भी देता है और बहुत ज़्यादा आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर बिंदी की बारी, बिंदी के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए कौन सा लगाऊं, समझ तो आता नहीं।
थिंक ये वाली अच्छी लग रही है तो मैं यही लगा रही हूँ। सिंदूर के है दोस्तों, तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है, आप देख सकते हैं, और सब कुछ कर लिया, बस नेल पेंट लगाना बाकी है तो मैं कर लूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा।